हाय फ्रेंड्स, मैं हूं रूपाली। आपको स्वागत करती हूं मेरी यूट्यूब चैनल रूपाली किचन एंड लाइफस्टाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई मशरूम। तो उसके लिए मैं ली हूं 250 ग्राम के करीब मशरूम, थोड़ा सा कैप्सिकम का काट के ली हूं, अदरक लहसुन का पेस्ट, काजू को ऐसे थोड़ा सा पीस ली हूँ, दो मीडियम साइज टमाटर को पीस के ली हूँ, एक बड़ा वाला प्याज को काट ली हूँ ऐसे, आप चाहे तो पीस के भी ले सकते हैं। और मसाला में खड़ा मसाला, 2 सूखा मिर्चा, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सॉल्ट और यहाँ दालचीनी को थोड़ा सा पीस ली हूँ। तब चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई में हाँ रिफाइंड तेल को गरम कर ली हूँ। अब हम मशरूम को थोड़ा फ्राई करेंगे। ज़्यादा कोई फ्राई नहीं करना है, बस 30-40 सेकंड के लिए। अभी हम मसाला बनाएंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें डालूंगी मैं रिफाइन ऑयल। अभी इसमें ऐड करूंगी 2 सूखा मिर्च और खड़ा मसाला। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है, अब इसमें ऐड करूंगी कटा हुआ प्याज। प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 चम्मच में दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से दे रहे हैं। इसमें भी ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्चा पाउडर। इसे थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। देखिए अभी हमारा मसाला हो गया है। अभी हम इसमें टमाटर का प्यूरी दे देंगे। कुछ देर के लिए इसे चलाएंगे और फिर 5-10 मिनट के लिए ढक देंगे। अभी हम मसाला को चेक करेंगे। देखिए हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम इसमें बाकी मसाला ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से चलाएंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ काजू, काजू पाउडर को, थोड़ी देर ऐसे चलाएंगे। मसाला हमारा हो गया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे पानी, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें। अब अपनी जरूरत के हिसाब से पानी ऐड करें।
अभी हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम। साथ में मशरूम भी ऐड करेंगे। इसे थोड़ा सा ढक के पकाएंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता। और थोड़ा पिसा हुआ दालचीनी। पिसा हुआ दालचीनी डालने से इसका जो खुशबू बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसे ऐसे ही थोड़ा ढक देंगे करेंगे। देखिए हमारा मशरूम जो है वो रेडी है। अभी हम इसे सर्व करेंगे। देखिए मेरा कढ़ाई मशरूम बन के रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।